अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हो रहा है, यार आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। बट बिफोर वी प्रोसीड, बिग शाउट आउट टू एसके गेमिंग, ही रिसेंटली सब्सक्राइब्ड आवर यूट्यूब चैनल। आई ऑलवेज डू अ रैंडम शाउट आउट टू माय सब्सक्राइबर्स, सो इफ यू वांट टू गेट मेंशन इन माय नेक्स्ट वीडियो, सब्सक्राइब नाउ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी ब्रूट फोर्स अटैक से रिलेटेड, एंड वो वीडियो को यूट्यूब ने रिमूव कर दिया ये बताते हुए कि उसमें आपने फिशिंग के बारे में बताया। भाई हाथ धो गई है यार, ब्रूट फोर्स पर, टोटली ब्रूट फोर्स पर वो वीडियो थी। बट इसलिए हटा दिया गया क्योंकि जब मैंने बात की उनसे तो उन्होंने बोला कि उसमें हमें ऐसा लगा कि आपने फिशिंग को कैसे करते हैं ये बताया है। तो भाई देखो, बताते तो हैं हम कि कैसे करते हैं, बट वो वीडियो में मैंने फिशिंग के बारे में बात ही नहीं की थी, वो तो टोटली वीडियो ब्रूट फोर्स के बारे में थी। बट खैर, टेक डाउन हो गई तो हो गई, बात करने पर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। बट ये जो वीडियो मैं दोबारा से बना रहा हूं, ये अगेन ब्रूट फोर्स से रिलेटेड होने वाली है, क्योंकि वो वीडियो काफी ज्यादा कम लोगों ने देखी थी एंड मुझे लगा कि मुझे दोबारा से अपलोड कर देनी चाहिए वो वीडियो। बट जैसे मैंने दोबारा अपलोड की एंड वो दोबारा अपलोड भी नहीं हो रही थी, इसलिए मुझे ये दोबारा से अब न्यू बनानी पड़ रही है। अब मैंने फिशिंग से रिलेटेड इतनी ज्यादा वीडियोस बना दी थी कि भाई लोगों ने बोला कि अब बस फिशिंग पर और कंटेंट नहीं चाहिए, अब हमें कोई और तरीका बताओ जिससे कि हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को हैक किया जा सकता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ब्रूट फोर्स के बारे में बताया जाए कि वो क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है एंड आप लोग किस तरह से उसे अप्लाई कर सकते हो। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आप डेफिनेटली टर्मक्स एप्लीकेशन का यूज करने वाले हो। टर्मक्स एप्लीकेशन में हमें कुछ कमांड्स पुट करनी है, स्टार्टिंग में कुछ पैकेजेस होंगे जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए। तो जितने भी पैकेजेस यहां पर हम लोग इंस्टॉल करने वाले हैं, आपने स्टेप बाय स्टेप देखते जाना है। मैंने लास्ट टाइम वीडियो बना दी थी जिसमें मैंने बताया था कि हम लोग किस तरह से वर्ड लिस्ट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि ब्रूट फोर्स अटैक में हमेशा एक वर्ड लिस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हो, उसके बाद ही आप इस वीडियो को कंटिन्यू करना। बिकॉज अगर आप पहले ये वीडियो देख लोगे उसके बाद आपको समझ नहीं आएगी कि वर्ड लिस्ट कहां से लें। तो पहले वर्ड लिस्ट को बना लो, उसके बाद आप लोग यहां पर इस वीडियो को देखकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो टर्मक्स में इस टूल को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है वो आपके टर्मक्स को अपडेट और अपग्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपने कमांड पुट करनी है एपीटी अपडेट, ये लिखने के बाद आप जैसे जैसे एंटर करोगे हो सकता है थोड़ी सी लोडिंग ले एंड उसके बाद आपका एपीटी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद आपने एपीटी अपग्रेड कर लेना है एंड वाई से परमिशन दे देनी है उसे यस की एंड आपका एपीटी अपग्रेड भी हो जाएगा। उसके बाद आती है सबसे मेन चीज पैकेज इंस्टॉल गिट की कमांड, जो कि आपने पुट करनी है इंस्टॉल करने के लिए पैकेज गिट का। जैसे ही आप लोग पैकेज इंस्टॉल गिट की कमांड दोगे आपका गिट का पैकेज भी इंस्टॉल हो जाएगा। मैं नेक्स्ट एक वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें बताने वाला हूं कि गिटहब होता क्या है। आप लोगों ने अक्सर देखा है कि मैं टर्मक्स में वीडियो में गिटहब का लिंक यूज करता हूं, यानी कि गिट क्लोन के आगे एक लिंक को पेस्ट किया जाता है। तो काफी सारे लोगों को ये नहीं पता कि भाई वो गिटहब क्या होता है या फिर गिटहब लिंक क्या होता है, तो इस पर एक मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूं, तो वो कुछ ही दिनों में अपलोड मैं कर दूंगा। एक और चीज यहां पर मैं मेंशन करना चाहता हूं कि ये जो टूल है जो अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये टूल जो है वो कोड किया गया है बैश स्क्रिप्ट पर, तो आप लोगों को पाइथन वगैरह का पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली यहां पर एसएसए से रन कर सकते हैं, तो आपको कोई और पैकेज इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। अब बात करते हैं इससे नेक्स्ट कमांड की, जो है गिट क्लोन की। गिट क्लोन के बाद आगे आपने एक लिंक को पेस्ट करना है, वो चीज मैं यहां पर कवर नहीं कर सकता हूं। बट आप लोगों को वो चीज कहां पर मिलेगी, आप लोगों ने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पर आपको एक पी वीडियो का लिंक मिलने वाला है। पी वीडियो का एक लिंक होगा यानी कि प्रैक्टिकल वीडियो, उसके आगे एक लिंक लगा होगा, आपने उस लिंक पर जाना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसे क्रोम से ओपन कर लेना। काफी लोग बोलते हैं कि भाई वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, तो भाई उसे क्रोम पर ओपन करने की ट्राई किया करो। जैसे आप उसे ओपन करोगे जितनी भी कमांड्स मैंने अभी आपको बताई हैं एंड जितनी भी नेक्स्ट यूज होने वाली है वो सारी की सारी वहां पर स्टेप बाय स्टेप लिखी होंगी। आपने जस्ट वहां से कॉपी करना है और अपने टर्मक्स में लाकर उसे पेस्ट करते जाना है, और जैसे ही आप लोग उसे एंटर करते जाओगे आपका टूल जो है वो रन हो जाएगा। बट अगर आप लोगों को नहीं पता कि इस टूल को किस तरह से परफॉर्म करना है, उसके लिए आपने क्या करना है, उसी आर्टिकल के लास्ट पे अगर आप लोग जाओगे वहां पर एक प्रैक्टिकल वीडियो का बटन होगा, आपने जस्ट उस पर क्लिक करना है, तो आप एक प्रैक्टिकल वीडियो को देख पाओगे कि किस तरह से उस टूल को यूज किया जाता है। इसके अलावा यार मैंने फिशिंग पर काफी ज्यादा वीडियोस बना रखी हैं जिसमें कि आप लोग व्हाट्सएप हैक से रिलेटेड, फेसबुक और इंस्टाग्राम से रिलेटेड काफी कुछ सीख सकते हो। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो तमाम टूल्स का, एक दफा जरूर उनको चेकआउट मार देना। आई होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर पहले से नहीं किया होती यार क्या कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।